अब बात करते हैं वर्ड के अंदर डिफरेंट थीम्स इंस्टॉल करने के और वर्ड uh, में थीम इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जाते हैं अब पेरेंट्स के नीचे पहला टैब है थीम्स uh, का इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास uh, जो बाय डिफॉल्ट अब तीन थीम्स आती हैं ट्वेंटी सिक्सटीन फिफ्टीन और फोर्टीन नई थीम ऐड करने के लिए हम जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फीचर के अंदर काफी सारी थीम्स वो खुद ब खुद अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वो खुद ब खुद थीम्स उठा लेगा इसी तरह हमारे पास कुछ पॉपुलर थीम्स हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसी तरह हमारे पास लेटेस्ट का थीम है पॉपुलर में ट्वेंटी इसलिए पॉपुलर आ रही है कि ऑब्वियसली वो उसके साथ इंस्टॉलेशन के साथ आ रही है इसी तरह हमें अगर इसमें से कोई नई थीम इंस्टॉल करना चाहें तो फीचर के अंदर जो हमारे पास थीम्स मौजूद हैं हमें इनमें से कोई थीम अच्छी लगती है तो हम इसमें से इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी एक आध थीम इसमें से मैं जैसे ये एक थीम है इसको क्लिक किया इंस्टॉल तो ये थीम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगी क्योंकि अभी जो जब मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो इसने बेसिकली इसको इंटरनेट से डाउनलोड करना शुरू कर दिया इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको कर देना एक्टिवेट तब तो हम हमारे पास थीम चेंज हो गई थीम इस वक्त जो नई थीम एक्टिवेट की है वो उसका नाम हनारी थीम है और इसको अगर हम देखना चाहें कि कैसे नजर आती है जस्ट इस पे क्लिक करना है विजिट साइट के ऊपर पे या तो हमारी जो थीम की थी लुक एंड फील वो काफी चेंज होगी दूसरी ऑप्शन है वो मैनुअल ऑप्शन है वो ये है कि हम वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी पे जाए और यहाँ पे थीम्स का टैब है थीम्स पे गए और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थीम्स मौजूद हैं उनमें से को कोई एक आध थीम हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम अपने पास वर्ड प्रेस में जाके एडमिन के थ्रू उसको इंस्टॉल करेंगे एग्जाम्पल यहां से कोई भी आ, popular theme कोई भी देखते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास ना हो और फॉर एग्जाम्पल है कलर मैग इसको मैंने पास दाउन्लोड दाउन्लोड तो आपके पास डाउनलोड किया डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास जहाँ जहां भी आपकी डाउनलोड्स की लोकेशन है जैसे मैंने चेंज करके इसको इस वक्त डेस्कटॉप पे किया हुआ तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास वर्ड प्रेस की एक थीम डाउनलोड हो गई है इसको जिप ही एज इट इज ही छोड़ने डेस्कटॉप पे ये पड़ी हुई है इसको एज इट इज ही छोड़कर वापस एडमिन में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू थीम और आपकी बार में जो मेरे पास वहाँ से डिस्प्ले करी उसके अलावा अगर मैंने मैनुअली करना इंस्टॉल तो अपलोड करूँगा यहाँ से और देन चूज फाइल और ये डेस्कटॉप पे है कलर मैग, और इंस्टॉल नाउ और थीम जब डाउन इंस्टॉल होगी उसके बाद इसको क्लिक करना एक्टिवेट के ऊपर एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद मैं एंड को रिफ्रेश तो हमारी थीम वो भी चेंज हो गई है तो बेसिकली थीम्स इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है बहुत सारी फ्री थीम्स हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमारे साथ बहुत सारी प्रीमियम थीम्स भी अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रीमियम देखना चाहें वर्ड प्रेस प्रीमियम थीम्स तो प्रीमियम थीम्स के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अदर देन wordpress.org जैसे थीम फॉरेस्ट एक एग्जांपल है थीम फॉरेस्ट पे हमारे पास वर्डप्रेस की कौन-कौन सी थीम्स हैं अब प्रीमियम थीम ऑब्वियसली अगर आप पे करके कुछ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फ्री थीम्स से काफी बेहतर होंगी और उनमें शायद ज्यादा फीचर्स भी हों और फ्री कोई को, आप जैसा ये एक एग्जांपल है कि थीम फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारी प्रीमियम थीम्स अवेलेबल हैं इनमें से कोई भी थीम जब आप परचेस करते हैं जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं या इन थीम्स के साथ क्योंकि ये प्रीमियम थीम्स होती हैं इनके साथ सपोर्ट भी होती है इनके साथ डॉकोमेंटेशन uh, भी होती है तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है कि ये थीम आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और तो आपके पास दोनों ऑप्शन है या फ्री थीम चूज करें या फिर आप, आप प्रीमियम थीम इंस्टॉल करें लेकिन इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप पेरेंट्स में आप जाते हैं और अपेरेंस में जाने के बाद आप एड न्यू पे क्लिक करते हैं और एड न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल थीम्स हैं जो फीचर थीम्स मतलब उसमें डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं फीचर पॉपुलर लेटेस्ट लेटेस्ट में जो लेटेस्ट थीम्स हैं वो वाली आ रही होंगी एक ऑप्शन तो ये यह अब यहीं से इंस्टॉल कर दें जस्ट आप उसको इंस्टॉल करेंगे वो डाउनलोड करेगा और आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे दूसरी ऑप्शन ये है कि आप थीम को मैनुअली कहीं और लोकेशन से डाउनलोड करें और उसके बाद अपलोड थीम पे क्लिक करें और उसके बाद चूज uh, फाइल करके इंस्टॉल कर दें दोनों केस में थीम इंस्टॉल हो जाएगी अब हमारे पास कौन कौन सी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं जस्ट थीम्स पे क्लिक किया तो मेरे पास इस वक्त पांच थीम्स आ रही हैं तो मैं इस वक्त वापस जो हमारी डिफॉल्ट थीम थी ट्वेंटी उसको दोबारा एक्टिवेट कर देता हूँ थीम दोबारा एक्टिवेट करने के बाद इसको फ्रंट एंड पे जाकर रिफ्रेश किया तो थीम वापस जो हमारी डिफॉल्ट थीम थी ट्वेंटी उसके ऊपर आ गई अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट एंड पे ये जो

हमारे पास नज़र आ रहे हैं सारे विजेट्स ऐड हुए हुए example, front, um, front पे हैं। तो सर्च का विजेक्ट है एग्जेक्टलीटेगरीज exactly हाँ uh, किसी किसी भी विजट को यहाँ से हटाना है जस्ट उसको ड्रैग करके आप बैठ छोड़ें तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा मेटर को ड्रॉप किया और इसी तरह सर्च को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद फ्रंट एंड पे जाकर रिफ्रेश किया तो वो उस हिसाब से जो जो हमने रिमूव किए हैं वो वहां से रिमूव हो गए सिमिलरली इसी तरह ऐड करना चाहे कोई भी विजिट तो टैग क्लाउड हो गया जैसे मैंने एक पोस्ट के अंदर टैग एड किए थे तो अगर हमने देखना वो तो टैग्स कौन कौन से थे रिफ्रेश किया तो टैग क्लाउड के अंदर वो टैग्स भी नज़र आ रहे हैं इसी तरह आ, कोई भी विजट जो है आप यहाँ से हटाना चाहें तो ड्रैग करके वापस ले आए कोई रखना हो तो वापस यहाँ से ड्रैग करके तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है आप कोई भी विजिट ऐड रिमूव कर सकते हैं लेकिन अगर आपने कोई सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करना है सिंपल टेक्स्ट या कोई एच टी एम एल कोड डिस्प्ले करना है या कोई इमेज का एड लगाना है या एडसेंस के लिए कोई या आपने कोई भी आ, मतलब कोड है आपने वो डिस्प्ले करना है एस टी एम एल का उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट का विजिट टेक्स्ट के विजिट को आप यहाँ पे ड्रॉप करते हैं यहाँ पे कॉन्टेंट में आपके पास एच टी एम एल कोड आ जाता है आप उसको टाइटल देते हैं और उसके बाद आप उसको ऐड कर देते हैं तो आपके पास फ्रंट एंड पे यहाँ पे आ, आपके पास जो विजिट में उस कोड की आउटपुट आ जाती है तो ये तो हमारे पास थे के अंदर पहले हमने थीम्स को देखा और सेकंड नंबर पे हमने आया है विज़िट्स के ऊपर विजिट्स के बाद मेन्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिर हम आते हैं हेडर के ऊपर हेडर के ऊपर आपने अपने इसी जो ब्लॉग है इसके ऊपर कोई हेडर इमेज लगाना है हेडर इमेज लगाने का उसने रिकमेंडेड हेडर साइज बता दिया कि उसकी जो हाइट एंड ये हर थीम पे डिपेंड करता है जो इस वक्त करंटली हम बात कर रहे हैं करें डिफॉल्ट थीम की तो 2016 के ऊपर अगर मैं कोई हेडर लगाना चाहता हूँ तो यही एग्जिस्टिंग इमेज को ये अगर मैं हेडर लगाता हूँ तो इसको मैंने जब सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट एंड क्रॉप किया तो उसने जो उसकी हेड उसने जो बताई थी विथ एंड हाइट उसने वही एंड हाइट चूज कर लिया अब आप इसको क्रॉप करेंगे इमेज तो ये ऊपर हमारा हेडर इमेज जो है उसने सेलेक्ट कर लिया इस हेडर इमेज की जो रिकमेंडेड साइज था वो था ट्वेल्व हंड्रेड बाई टू एट्टी जो इमेज तो उसमें उसमें से, उसमें से क्रॉप करके हमने उसको एज अ हेडर इमेज लगा दिया इसको हम सेव एंड पब्लिश कर सकते हैं सेव एंड पब्लिश करने के बाद जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ऊपर हेडर में भी ये इमेज आ गया तो अपेरेंस के अंदर एक तो पहले हमने थीम्स देख लिया मेन्यूज देख लिया विजिट देख लिया और उसके बाद नेक्स्ट चीज थी ये था हमारा हेडर इमेज हेडर इमेज चेंज किया फिर वापस जाते हैं यहाँ से बैक इसको क्रॉस करके नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है बैकग्राउंड की पूरे बैकग्राउंड के अंदर हम कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहिए अभी करंटली इस वर्ड थीम का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है इसी जगह कोई मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहूँ तो यहाँ यहाँ से चूज करके सिलेक्ट बैकग्राउंड इमेज भी कर सकता हूँ और लास्टली हमारे पास ऑप्शन आती है एडिटर की जब हम एडिटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट उस थीम की स्टाइल शीट खुल जाती है तो अगर आपको सी आता है सी एस एस आपको पता है सी एस एस के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन की जाती है तो ये बेसिकली 2016 की सारी फाइल्स हैं जो, जो राइट साइड पर नजर आ रही हैं लेकिन सबसे लास्ट में उसकी स्टाइल शीट्स आ रही हैं स्टाइल शीट में जो स्टाइल डॉट सी एस एस है बाई डिफॉल्ट सबसे पहले ओपन हो गया इसके अंदर ये सारी थीम की सी एस एस फाइल मौजूद है अगर हम इसको ड्रैक करके देखें कि एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी एक सी एस एस फाइल है तो अगर आपने इस थीम की लुक एंड फील चेंज करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स चेंज करने हैं टैक्स का साइज चेंज करना है ये हेडिंग्स किस तरह डिस्प्ले होंगी जो जो आपने चेंजेस करनी है सी एस एस के अंदर चेंजेस तो वो बेसिकली आप थीम की जो जितनी कस्टमाइजेशन है वो थीम की कस्टमाइजेशन जो है आप स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर इसकी सी एस एस को मॉडिफाई करें सी एस एस को मॉडिफाई करेंगे तो इस थीम की सारी लुक एंड फील चेंज हो जाएगी फिर इसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन आती है जो ऑप्शन रह गई थी वो है कस्टमाइज की कस्टमाइज की के नीचे ऑप्शन है कस्टमाइज का इस पे क्लिक किया यहां से आप साइट आइडेंटिटी वन वन बाय देखें आपके पास यहाँ पे टाइटल के नीचे उसका स्लोगन आ रहा है इसको रिमूव करना चाहता है तो यहाँ से टैग लाइन आपने रिमूव की रिमूव करने के बाद या मैं इसको टाइटल को बिल्कुल डिस्प्ले ना करना चाहूँ तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पे और इसी तरह लोगो इमेज को लगाना है यहाँ पे इसके साथ लोगो इमेज लगाना है वो भी यहाँ से लगा सकते हैं फिर इसको बैक किया कलर्स चेंज करने ये देखें बैकग्राउंड कलर पेज कलर लिंक कलर मेन टेक्स्ट कलर जितने कलर्स हैं इस थीम के वो यहाँ से हम चेंज करना चाहें हम यहाँ से वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं हेडर इमेज ऑलरेडी बात हो चुकी है हेडर की फिर बैकग्राउंड इमेज भी होगी यहाँ से हम विजट को भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं देखें यहाँ से ऑलरेडी हम देखा कि विजर्स के अंदर साइड बार के अंदर हमने

यहां से क्लिक किया और योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह हम यहां से चूज़ करेंगे योर स्टैटिक पेज तो कहते हैं कौन से पेज को डिस्प्ले करना है अबाउट अस को डिस्प्ले करना है? तो होम पेज पे बाय डिफॉल्ट अबाउट अस पेज आ जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई ब्लॉग ओपन करे बाय डिफॉल्ट होम पेज पे ब्लॉग पोस्ट ना आए बल्कि कोई पेज आए तो वो ऑप्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो ये दीगर कस्टमाइजेशन हैं जो हम अपेयरेंस टैब के नीचे कस्टमाइज की ऑप्शन है यहाँ पे जाके हम चेंज कर सकते हैं और फिर उनकी इंडिविजुअल ऑप्शंस भी मौजूद हैं विजिट्स की मेन्यूज की हेडर बैकग्राउंड एडिटर वगैरह की यहाँ से भी आके हम थीम की कस्टमाइजेशन चेंज कर सकते हैं सिमिलरली हम इसको नीचे स्क्रॉल करें सेटिंग्स में जाए सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन है रीडिंग की पहले हम जनरल में जाते हैं जनरल में जैसे मैंने वहाँ हमारे पास अपेयरेंस के नीचे कस्टमाइज में भी ऑप्शन आ रही थी कि हम टैगलाइन चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं टैगलाइन रिमूव किए और अगर इसका टाइटल चेंज करना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं हम इसको मैं कोई भी नया टाइटल दे दूं उसको और इसके बाद इसके अंदर मेंबरशिप्स की हो थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे मेंबरशिप के अंदर हमारे पास कितने डिफरेंट रोल्स हैं यूजर रोल्स हैं कंट्रीब्यूटर है, है सब्सक्राइबर है एडिटर है ऑथर है और एडमिन है इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे लेकिन फिलहाल इसके अंदर जनरल सेटिंग्स में हम टाइटल चेंज कर रहे हैं और उसको टैगलाइन को रिमूव करने के बाद हम इसको सेव चेंजेस किया और इसी तरह रीडिंग में गए और रीडिंग में वो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर इस वक्त करंटली रखे इसको रिफ्रेश किया तो होम पेज पे इस वक्त ब्लॉग पोस्ट आ रही है ऑल दो एक ही है लेकिन एक से ज्यादा भी होंगी तो सारी होम पेज पे आ रही होंगी इसको चेंज करके मैं चाहता हूँ अगर इसे इससे पहले हम पेजेस में जाके एक नया पेज ऐड करते हैं न्यू पेज और इस पेज का नाम कर दिया ब्लॉग और इसको जस्ट पब्लिश कर दिया इसमें और कुछ मैंने कॉन्टेंट एड नहीं किया खाली है और इसके बाद यहाँ से सेटिंग्स में दोबारा जाके रीडिंग यहाँ से मैं चाहता हूँ कि स्टैटिक पेज होम पेज पे अबाउट अस आ जाए और जितनी पोस्ट हैं जो पोस्ट है, वो हमारी ब्लॉग पोस्ट हैं वो ब्लॉग पेज पे डिस्प्ले करें करेंटेट ऑफ होम पेज वो ब्लॉग पेज पे डिस्प्ले करें प्लस यहाँ से इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम दस पोस्ट एक पेज पे आएंगी फिर उसके बाद वो अगले पेज पे आ जाएगा उसके बाद सेव चेंजेस सेव चेंजेस के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अब मेरे पास होम पेज पे, पे अबाउट का टेक्स्ट आ रहा है जो एक स्टैटिक पेज है और यहाँ पे ब्लॉग का जो पेज है उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो जितनी हमारी जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो ब्लॉग पेज पर पे चलेगी इसी ब्लॉग पेज को अगर हमने मेन्यू में एड कर लेंस मेन्यूज और ये ब्लॉग को चेक किया एड टू मेन्यू और मेन्यू के अंदर यह है कि आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप किसी एक मेन्यू आइटम को किसी दूसरे मेन्यू आइटम के नीचे ड्रॉप करेंगे तो बेसिकली उसका सब मेन्यू बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको होटल्स को अबाउट अस का सब मेन्यू बना के सेव किया है तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर हमारे पास अबाउट अस में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गए तो ड्रॉप डाउन मेन्यू या सब मेन्यू बनाने के लिए हमें एक मेन्यू को दूसरे मेन्यू के नीचे ड्रॉप करेंगे तो वो उसका सब मेन्यू बन जाएगा सब मेन्यू बनाने के लिए हमने इसको जस्ट उसके और वापस लेके आना तो वापस उसको ड्रैग कर कैसे क्रिएट करने मेन्यूज कैसे क्रिएट करने, करने है, करने, करने है और अप के अंदर थीम्स कैसे ऐड करनी है कस्टमाइज करना है विजिट कैसे ऐड करनी है और आखिर में ये आप उसकी सी एस एस मॉडिफाई करना चाहें तो अबिटर के अंदर करेंगे फिर अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लग कैसे इंस्टॉल करने वर्ड के अंदर कुछ फीचर्स नहीं आते वर्ड तो प्रेस की जो फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हम प्लगइन्स यूज करते हैं प्लगइन्स हमारे बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स मौजूद हैं प्लगइन्स को हम देखना चाहें तो वो वर्ड प्रेस पे भी अगर आप जाए वहां पर बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं ऊपर प्लगइन्स के टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास 47,000 सेवन थाउजेंड प्लग अवेलेबल इनमें से भी प्लग यूज कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन्स कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से कुछ उसमें दीगर एग्जाम एग्ज़ाम्पल के लिए हम तीन चार प्लग इंस्टॉल भी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यूज़र रोल्स पे आएंगे यूज़र रोल्स बेसिकली जैसे मैंने कहा सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूटर एडिटर ऑथर और, और एडमिन डिफरेंट रोल्स हैं उनकी फिर टूल्स में हम क्या क्या कर सकते हैं और फाइनली हम परमा लिंक्स को कैसे अपडेट करेंगे ये हम सारी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में